दिल्ली के लिए एक पहली बस जो है वो मुसौली से शुरू की गई है और दिल्ली तक जो जाएगी एक बड़ी सुविधा होगी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोग जो होते हैं वो बाहरी राज्यों में काम करते थे, खासकर दिल्ली जैसे राज्यों में काम करते थे, रोजगार के लिए जाते थे, पढ़ाई के लिए जाते थे, उन सभी लोगों के लिए ये बस जो है एक अच्छा साधन उपलब्ध होगी। एक अच्छी जो बस है वो सर्विस शुरुआत की गई है बसोड़ी से, जो बहुत अच्छी शुरुआत है, जो काफी पहले हो जानी चाहिए थी, जो अब हुई है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय उदित पादा है, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये बस जो है वो टूरिज्म के लिहाज से जो है वो यहाँ टूरिस्ट को बढ़ावा दे सकती है। उदित जी, किस तरह देखते हैं कि दिल्ली के लिए बस है, टूरिज्म से टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? ये जो बस है, ये मैं तो पहले स्वागत करूंगा ट्रैवल पॉइंट वालों का अपने इस बसोली क्षेत्र में कि इन्होंने समय निकाला और इस क्षेत्र के बारे में, हालांकि इन्होंने 1.5 साल पहले सर्वे कर लिया था, 1.5 साल पहले भी इनके साथ एक टीम के लोग आए थे, राजू जी हैं और इनके साथ निर्मल जी हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे पास मेरे घर पे भी मिलने आए थे और हमने एक बार इनके साथ जाके पूरा रूट जो है ये चेक करवाया था, मगर कुछ कारणवश क्या था कि ये गाड़ी उस समय नहीं चल पाई। विषय ये था कि उस समय इनको था कि यहाँ क्या सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं, परंतु अब जब इन्होंने पूरा सर्वे किया है अब जाके इनको समझ आया कि नहीं, ये यहाँ पे ये कामयाब रह सकती है और उन सब चीजों को देखते मद्देनजर रखते हुए ही इन्होंने ये बसोली के लिए कदम उठाया है। मैं स्वागत करूंगा इनका, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका कि इन्होंने अपनी ये सर्विस यहाँ पे स्टार्ट की है। और सर्विस स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे, यहाँ से लखनपुर पठानकोट वहां जाके फिर वहां पे बसेस में गाड़ी में सीट नहीं मिलती थी और दिक्कत के साथ उनको दिल्ली जाना पड़ता था, सबको ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलती, आपको पता ही है शीश जी, और तत्काल में कईयों की बुकिंग होती थी कि नहीं। हमारे यहाँ से काफी सारे जो लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं, लड़के हैं जो गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और काफी सारी MNC में भी यहाँ के छात्र जो है वो इस समय आगे रिक्रूट होकर काम कर रहे हैं, उनको भी ये बहुत बड़ी दिक्कत थी और उनको भी अभी कुछ सर्विसेज जो डलहौजी से यहाँ से डलहौजी से बाया दुनेरा होकर जाती है, मगर वो स्लीपर नहीं है, वो खाली सीटर है, वो जाती थी और उनमें हम उनको ट्रैवल करना पड़ता था रात को, तो काफी दिक्कत आती थी, परंतु अब ये बस सर्विस लगी है इससे सबको फायदा होने वाला है। एक आम जनमानस को जो फायदा आज से 10 साल पहले 20 साल पहले होना चाहिए था जब से ये डेकर्स शुरू हुए हैं, आज रह रहकर आज ये जो सर्विस है ये यहाँ पे शुरू हुई है। इसके साथ साथ और भी कई सर्विसेज यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, ऐसी गाड़ियां यहाँ पे आएंगी। दिल्ली दिल्ली तक ये बस जाएगी, इतना टूरिज्म की बात करो, दिल्ली से टूरिस्ट बहुत कम यहाँ पे पहुंचता था, अब उम्मीद है यहाँ पे टूरिस्ट आएगा। देखिए, जहां तक मैं टूरिज्म की बात करूँ तो अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव ले और कॉपरेशन रखे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ कॉपरेशन रखे और छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखते हुए नहीं गाड़ियों का वो आवागमन को बंद करवाए या ऐसे कोई दिक्कत हो, तो छोटी छोटी बातों को कई बार क्या करना है नजरअंदाज करना, किसी बड़े मोटिव के लिए जब आप काम करते हो तो उसको छोटे छोटे जो वो है फ्लॉज जो है उनको कई बार नजरअंदाज भी करना पड़ता है, तो जब आपको किसी चीज को बढ़ावा देना है तो वहां पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा इन सब चीजों का। और मैं मानता हूं कि इस बस के आने के बाद टूरिज्म में भी यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी टूरिज्म बसोली में अच्छा पनप रहा है और आप देखो अभी हालांकि अटल से तो यहाँ पे अभी छुट्टियां भी पड़ने वाली है तो काफी सारे लोग यहाँ ट्रेवल करते हैं, मोटर ग्लाइडिंग चल रही है और ये सब चल रहा है, उसके साथ साथ ये बस भी जो है एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है। तो ये थे हमारे साथ सलोकर उदित पात्र ने जानकारी दी। और भी इस बस के फीचर में आपको अगर बता दूं तो ये जो बस है ये फुली एयर कंडीशनर है, मैं आपको बता दूं कि ये स्लीपर कोच यहाँ पे जो है इसे ये देखिए ये पूरा का पूरा स्लीपर कोच है, AC यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे जो खास सुविधा ये होगी कि तपती गर्मी में भी आपको ये पहली बस मिलेगी जिसमें ये AC सर्विस जो है वो लगी हुई है और AC के साथ साथ ये ऊपर स्लीपर है और ये नीचे आप देख सकते हैं सीटें लगी हैं, यहाँ भी AC है, ये जो दो आप देख रहे हैं AC की कूलिंग के लिए रखे गए हैं जिसमें AC की कूलिंग आपको मिलेगी और ये पहली बस है बसोली में की AC सर्विस इसमें जो मिल रही है और खासकर बसोली से दिल्ली के लिए पहली बस है जो कि युवाओं के लिए, खासकर जो पढ़ने जाते हैं, जो नौकरी करने जाते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, जो लोग यहां से रोजगार कमाने जाते हैं उनके लिए डायरेक्ट बस जो है बसोली से दिल्ली के लिए ये पहली बस सेवा जो है वो बसोली से शुरू की गई है और आगामी समय में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि और भी ऐसी जो बसें हैं वो शुरू होगी और लोगों को इसका जो है वो फायदा मिलेगा। नई बस सेवा शुरू हुई है, कहाँ से कहाँ बस सेवा है और क्या इससे खिलाया रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी? सबसे पहले मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करूंगा, आप सब लोग आए, ये बस जो है हमारी बसोली के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है क्योंकि बड़ी देर से डिमांड थी बसोली और दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस की, बड़ी देर से डिमांड थी। मैं ये ट्रैवल पॉइंट वालों का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारी मांग को मद्देनजर रखते हुए एक बस शुरू करी है जो 5 बजे यहाँ से चलेगी, 5 बजे बसोली से चलेगी और 8 बजे दिल्ली पहुंचेगी
और 8 बजे वहां से सुबह चलेगी और शाम को बसोली आएगी, रात को वहां से दिल्ली से चलेगी ये और सुबह ये पहुंच जाएगी बसोली में। कहने का मतलब ये है, हमारे बहुत से भाई जो थे वो दिल्ली में काम करते थे, कईयों की रिश्तेदारी थी, कोई भी कहीं घूमने जाना होता था तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कभी हमको लखनपुर, कभी पठानकोट, कभी कठुआ जाना पड़ता था। और इसका यही सबसे बढ़िया फायदा है, घर से बैठेंगे और वापस घर में ही उतरेंगे, और इससे टूरिज्म को भी फर्क पड़ेगा। और एक और चीज होगी, लास्ट लेट आवर्स में कनेक्टिविटी एक और मिल जाएगी हमको, टूरिस्ट को इसमें बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि लोग आएंगे, एक कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलने वाली है। और ये यहाँ से वाया अटल सेतु जाएगी, चंडीगढ़ से होते हुए ये दिल्ली जाएगी, तो टूरिस्ट भी मतलब बिना रोक टोक के आ सकते हैं, एक उनको भी आने जाने का साधन मिलेगा। हमारे जो भाई काम करते हैं दिल्ली में उनको भी एक बेहतर सुविधा मिलेगी। मैं आप सब से मीडिया बंधुओं से यही कहूँगा, आप इसको जितना प्रचार प्रसार कर सकें ताकि लोगों को पता चले। टाइमिंग आपको बता दी है, किराया इसका ये बता रहे हैं 800 रुपया इसका सीट का होगा और 1000 रुपया स्लीपर का, एसी स्लीपर है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और हम आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, ये जितनी ज़्यादा काम जो अब होगी उतनी ही बसेज और लगेंगी और हम लोगों को फायदा होगा। बाकी मैं आपसे यही अपील करूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय बसोली।